वैश्विक फलक पर राम कथा का विश्व संदर्भ और इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भाग 13 में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध हैं। इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष मेरे अनन्य सहयोगी सुहृद और प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सूत्रधार आयोजक और विस्तारक प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, स्तुति प्रस्तुत जिन्होंने किया ऐसे डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण वंदना प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर हिमांशु मोहन मिस्टर दीपक जी, डॉक्टर किरण बाला जी, स्वस्ति पांडे जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे जी, हमारे सहयोगी निदेशक लुप्त भाषा केंद्र प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी जिनको कई बार मैं सुन चुका, श्री अगमानंद स्वामी जी महाराज, डॉक्टर गीता सहाय विशेष वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले सुरेश जी रंगकर्मी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, मीमांसा ओझा जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, अंजनी मिश्रा जी, डॉक्टर विद्या रानी जी, डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर नीलम महतो जी, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र जी, नीलमा तिवारी जी, डॉक्टर आलोक चौबे जी और डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जिनका नाम अभी प्रदीप सिंह जी ले रहे थे, इसके अतिरिक्त डॉक्टर शील त्रिपाठी जी और भी जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, इस प्रभु राम से संबंधित शास्त्र प्रणयन में, साथ ही हमारे टेक्निकल स्टाफ के सहयोगी मिस्टर गौतम, मिस्टर गौरव और वे सभी प्रभु राम माँ जानकी में आस्था रखने वाले लोग और इसी आस्था के कारण भव सागर से मुक्ति में सबको सफलता मिलती है। आप सभी को जय श्री राम। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि हम लोग अब इस अभियान के 13वें सोपान पर हैं और बहुत अच्छी जानकारियां आप तक संकलित हो गई हैं और इससे भी अच्छी जानकारियां भविष्य में संकलित होंगी और जो डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी और प्रोफेसर विनय कुमार जी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें निश्चय ही सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति निकलता है एक अभियान के साथ और फिर उसके साथ वैसे ही मति के लोग, बुद्धि के लोग, विचार के लोग, व्यवहार के लोग मिलते जाते हैं और फिर एक कारवां बन जाता है, एक आंदोलन बन जाता है। तो राम साहित्य संग्रह का अब यह एक आंदोलन है जिसके प्रणेता प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो अयोध्या कांड में वन गमन के क्रम में प्रभु राम वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे आगे कहाँ जाकर रहना चाहिए और महामुनि वाल्मीकि ने उन्हें रहने का स्थान बताया और अंत में कहा कि आप चित्रकूट में जाइए जिसकी बहुत बड़ी महत्ता है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाय। चित्रकूट वह स्थान जहाँ पर कामदगिर पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है और सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ के लिए यह है कि आत्मैक्य, आत्मानन्यता, आत्मानुरक्ति और अनुपम भक्ति के प्रतीक और प्रमाण महामुनि अत्रि और माँ अनसुईया वहाँ रहते हैं, उनका आश्रम है। तो ऐसे जगह पर जाने के लिए वाल्मीकि जी ने संदेश दिया। माँ अनसुईया के योग बल, तप बल और सतीत्व बल के चलते उनके आवाहन पर वहाँ मंदाकिनी का आगमन हुआ
भगवान राम और लक्ष्मण माँ जानकी सहित इन लोगों ने मंदाकिनी में स्नान किया और उसके किनारे पर्णकुटी में रहने का विचार किया। पर्णकुटी की रचना सभी देवता वहाँ कुल भील के रूप में आए और फिर रचना हुई। उसमें भगवान 11.5 वर्ष तक रहे चित्रकूट में। उनकी उपस्थिति में सारे देवी देवता वहाँ निरंतर जाकर उनका नमन वंदन करते रहे। उस क्षेत्र में निवास करने वाले जितने तपस्वी ऋषि मुनि मनीषी क्रमशः सबको बोध हो गया और वह सब लोग किसी न किसी रूप में भगवान के पास जाते थे। कुल भील समदर्शी हैं प्रभु राम, और यह भाव वहाँ के लोगों को भी पता चल गया। इसलिए चित्रकूट में आसपास के जंगलों में रहने वाले जितने जीव जंतु लता बिटप ये सब उनके समीप पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, उन्हें देखकर तृप्त होने लगे और यह चर्चा चतुर्दिक हो गई। कुल भील नाना प्रकार के फल मूल लेकर आने लगे और इस तरह जिसका जितना पुण्य था उस अनुपात में प्रभु राम ने सबको तृप्त किया, आशीर्वाद दिया, मगन किया और उनके जीवन को धन्य किया। वहाँ रहने के क्रम में प्रभु राम स्वयं बहुत विषयों का विचार करते रहे, माँ जानकी को और लक्ष्मण जी को, सनातन परंपरा के बारे में अपने विषय में बहुत सारी बातें बताते रहे और इस तरह यह समय का क्रम आगे बढ़ता चला गया। माँ सीता ने जैसे सती अनसुईया के प्रताप से, उनकी इच्छा से, उनके आमंत्रण पर गोदावरी अलकनंदा का आगमन हुआ, उसी तरह से सीता जी के लिए उसी स्थान पर गोदावरी का आगमन हुआ जहाँ माँ सीता जल आचमन से लेकर के और सब जो भी उन्हें करना था वह कर रही थी, प्रभु के लिए भोजन बनाना और सारी व्यवस्था करना मंदाकिनी के आश्रम पर होता रहा। इस तरह मंदाकिनी अनसुईया के द्वारा और गोदावरी सीता जी के द्वारा वहाँ आमंत्रित हुई और दोनों आज भी हैं। गुप्त गोदावरी का दर्शन करने जो लोग चित्रकूट जाते हैं अवश्य जाते हैं, कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं और माना जाता है कि मनोरथ पूर्ण होता है। चित्रकूट वह धाम है, वह स्थान है जहाँ निरंतर प्रभु राम निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए जब तुलसीदास जी रामचरितमानस का प्रणयन कर रहे थे, उनकी इच्छा हुई कि भगवान राम का दर्शन करें, तो हनुमान जी उन्हें अलकनंदा के किनारे रामघाट आजकल कहा जाता है वहाँ ले गए और फिर भगवान राम का दर्शन उन्हें हुआ। तुलसीदास जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले तरफ वीर। और इस तरह भगवान राम का दर्शन तुलसीदास को हुआ। इस प्रकार का स्थान है चित्रकूट, ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में जाने पर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, अस्थाई रूप से पुण्य लाभ होता है और मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है, अनायास ही भगवान राम की कृपा मिल जाती है। उस स्थान में ऐसी ऊर्जा है, देवत्व है, संतत्व है जिसकी प्राप्ति बिना प्रयास के ही हो जाती है। एक मान्यता यह भी है कि प्रयागराज को भी शीतलता प्राप्त करने के लिए और अपने को और अधिक निर्मल बनाने के लिए एक समय में, एक वर्ष में एक बार चित्रकूट जाना होता है। ऐसी महत्ता है चित्रकूट की, तो ऐसे स्थान की महत्ता हो भी क्यों नहीं जहाँ भगवान 11.5 वर्ष तक निवास किए हों, माँ जानकी सहित और शेषनाग के स्वरूप लक्ष्मण जी सहित। वहाँ के बाद अब भगवान राम को लगा कि सभी जान गए, अब यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया। रघुपत चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होए भीर सब मुझ कि सभी जान गए हैं मुझे, अब भीड़ हो रही है इसलिए अब यहाँ से चलना चाहिए। और इस चलने के क्रम में पहला काम उन्होंने किया कि रघुपत चित्रकूट बस नाना के साथ ही जब प्रस्थान करते हैं तो पुलकित गात अत्र उठ आए, उन्हें
बोध था कि हाँ सती अनसुईया है, महामुनि अत्रि हैं, भगवान राम को पता है कि अनसुईया से आशीर्वाद लेना है सीता जी को, और अत्रि से बहुत कुछ सुनना है मुझे आगे के लिए, और उनका भक्ति भाव भी देखना था, उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देना था, और इस भाव से भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम में गए। उन्हें देखते ही पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दौ जन अनहवाए। उन्हें देखते ही पुलकित होकर मुनिवर अत्रि दौड़ पड़े, और यह देखकर भगवान राम और भी आतुर हो गए, उन्हें सीने से लगा लिया और एक तरह से विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया, और इसका अतिरेक उन्हें मिला। उन्हें देख करके वह इतना अधिक मगध हो गए, मानस में तुलसीदास जी ने लिखा, देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तव आने, कर पूजा कहि वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु राम जी की अभ्यर्थना किया और उनका सम्मान किया, उनके आहार का प्रबंध किया, और एक बहुत अच्छी वंदना की जिसकी दो पंक्तियां इस तरह से हैं, नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वनाम धम। तो इस तरह से अकामिनाम स्वधाम अमर कर करके अत्र ने उनकी बहुत अच्छी वंदना की, और फिर राम के गुण के बारे में बताया कि आप किस तरह से लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, कैसे आप अकारण ही सबको धन्य करते चलते हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपालु हैं, आप कोमल स्वभाव के हैं, आपका बार बार अभिनंदन है, नमन है, आप निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम यूं ही प्रदान कर देते हैं, जो भी आपके चरणों को भजता है, आपके चरणों में आस्था रखता है। और इस तरह से भगवान राम उनकी वंदना सुनते रहे, और फिर इसी क्रम में उन्होंने जानकी जी को संकेत किया कि अब यह समय आ गया है, अब हम लोग ज़्यादा यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए अब अनसुईया का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान राम को पता है कि आगे क्या होना है, उसका प्रबंध पहले ही कर लेना है। इसलिए अनसुईया के पास सीता जी गईं और उनका चरण पकड़ करके प्रणाम किया। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, रिस पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। बहुत उनका नमन किया माँ जानकी ने। जगत जननी है, लेकिन जगत पिता और जगत जननी अपने में आस्था रखने वाले लोगों का सम्मान बढ़ाते चलते हैं, और स्वयं सती अनसुईया का सम्मान बढ़ाना है ऐसा भाव नहीं है, उनके सम्मान, उनके स्थान, उनकी महत्ता की स्वीकारोक्ति है सीता जी द्वारा उनका नमन बंदन और अभिनंदन। सती अनसुईया के बारे में कई प्रसंग आते हैं। एक तो सतीत्व की श्रृंखला में श्रेष्ठतम देवी कही जाती है। आरंभ में ही मैंने कहा कि ये दोनों अत्रि और अनसुईया आत्मैक्य के द्योतक हैं, प्रतीक हैं, प्रमाण हैं, दोनों की आत्मा एक है। आत्मा अनन्यता, अनन्य भाव दोनों के आत्मा का, कोई विभेद नहीं है, अद्वैत है, और दोनों का भाव समभाव कहा जाता है, आत्मानुरक्ति है, दोनों की एक दूसरे में आदर्श अनुरक्ति है, और इसीलिए दोनों को अनुपम भक्ति प्राप्त है भगवान राम का, और जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाए उसके लिए कहना ही क्या। पूरे प्रसंग में भगवान राम आश्रमों में जाते हैं, मुनिजन को धन्य करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सती अनसुईया का एक प्रसंग चित्रकूट में जाने पर दिखलाई भी देता है, उनका जो मंदिर है उसमें विवरण भी है, वर्णन भी है, चित्र भी है। एक बार की कथा है, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती ये आपस में मंत्रणा कर रही थी कि त्रिलोक में उन लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिनके साथ वो लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई है ही नहीं। अनुपम अद्वितीय ये लोग हैं शक्ति में, सौंदर्य में। नारद जी उसी समय पधारे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है
इस धरा पर एक और विभूति हैं जो शक्ति सौंदर्य आराधना अर्चना और साधना में अनुपम हैं और अद्वितीय हैं। यह कह करके उन्होंने सती अनुसुईया के सौंदर्य शक्ति और सतीत्व का वर्णन किया और कहा कि ऐसा न आज तक कोई हुआ है न आगे आने वाले दिनों में कोई होगा, ऐसा संभव भी दिखलाई नहीं देता। सहज स्वभाव जैसा कथा में वर्णित है, इन्होंने क्रमशः लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से, पार्वती जी ने शंकर जी से और फिर ब्रह्मा जी से, सरस्वती जी का इसमें उल्लेख है, ब्रह्मारी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोग जाइए और सती अनुसुईया की परीक्षा लीजिए और आप देखिए कि जो नारद ने कहा है इसमें सच्चाई कितनी है। और किसी भी युग में देवी शक्ति की इच्छा की अवहेलना संभव नहीं है, इसलिए त्रिदेव धरा पर आए, यति वेश में मां अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। महामुनियत्री कहीं अन्यत्र थे, इन लोगों ने अपना मंतव्य बताया और कहा कि आपके हाथ से हमें कुछ आहार ग्रहण करना है। देवी ने सादर उन्हें बुलाया, उनके अंदर इतना तेज और तप था कि अनुमान उन्हें हो ही गया है साधारण स्वरूप नहीं है। उन्हें अंदर बुलाया, उनका सम्मान किया, मंतव्य पूछा, उन्होंने कहा कि आपके हाथ से हमें आहार लेना है। उन्होंने कहा यह तो मेरा परम सौभाग्य है। और फिर इसमें उन त्रिदेवों ने एक शर्त रखी, यह अनुसुईया के महत्व का उल्लेख है। शर्त यह था कि आपके हाथ से तो आहार हम तभी ग्रहण करेंगे जब आप अनावृत हों। सती को विस्मय हुआ त्रिदेव के बारे में विचार करके, उन्हें पता हो गया कि यह सब संदर्भ क्यों आ रहा है। उन्होंने त्रिदेव का ध्यान किया, उनकी अनुमति ली और फिर अपने कार्य में वह लग गए। उन्होंने भोजन बनाया और भोजन के बाद जब खिलाने का समय आया, उन्होंने मंत्र का आश्रय लिया, हाथ में जल लिया और त्रिमूर्ति पर उस जल की बूंदें गिराई और ब्रह्मा विष्णु महेश अचानक बाल रूप में आ गए। उन तीनों को अपनी गोद में लिया सती अनुसुईया ने, उन्हें भोजन कराया और फिर उनका मातृत्व भाव जागृत हुआ, तीनों को पैपान भी कराया। एकमात्र उदाहरण इस धरा पर मिलता है और अब तक के शास्त्रों में ऐसा ही वर्णित है कि केवल सती अनुसुईया ही उस महत्ता को प्राप्त कर सकें कि एक साथ बाल रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने गोद में रखने का सुख उन्हें मिला, उन्हें खिलाने का, उनके साथ खेलने का। यह अनुपम सुख केवल उन्हें ही मिला, इसीलिए कहा जाता है उनके पास अनुपम भक्त की शक्ति है। उनके पास अनुपम भक्त के प्रमाण अत्र की शक्ति है, उनके पास अत्र में आस्था की शक्ति है, परम सतीत्व की परम शक्ति उनके पास है और तीनों उनके साथ रहने लगे और यह मातृत्व का सुख प्राप्त करने लगे। अत्र भी देखकर मगन होने लगे, जिसके परिवार में विधाता के सभी स्वरूप विद्यमान हो वहाँ कहना ही क्या है। और इससे जो इस संसार के इस ब्रह्मांड के तीन अधिपति हैं उनके यहाँ चिंता हुई, देवताओं में चिंता हुई, अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। फिर सबने इन तीनों देवियों ने नारद से पूछा कहाँ गए लोग, वह इन लोगों को ले आए, पूरी कथा बताए। यह लोग फिर अत्र के आश्रम में आए, उनसे विनती की कि हमें आने दीजिए। एक तो तीनों ने जैसे ही अनुसुईया को देखा उन्हें पता चल गया कि कभी इस बात का भान नहीं रखना चाहिए कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई ऐसा होता ही नहीं ईश्वर को छोड़कर, ना कि वो माया है और माया भी कभी कभी स्वयं माया के बस में हो जाती है। उनसे अनुमति लिया, अंदर गए, उनका अनुनय विनय किया, अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त किया। अनुसुईया को सब पता था देखकर और उन तीनों ने अपने अपने स्वामी लोगों की मांग की, जो पालने में झूल रहे हैं तीनों, हमें दे दीजिए।
थोड़ा अनसुईया के मन में भी कौतुक का भाव आया। उन्होंने कहा अपना अपना पहचान के आप लोग ले लें। तीनों एक स्वरूप थे, एक सदृश थे, एक जैसे थे, एक जैसी कांति, आभा, तेज का मंडल तीनों पर एक ही जैसा था, इसलिए पहचान करना कठिन हो गया। विष्णु जी कौन है, शंकर जी कौन है, ब्रह्मा कौन है। जब बिल्कुल दुर्लभ हो गया और उन्होंने लगा पता नहीं किसे उठा लें, फिर उन्होंने अनसुईया से पुनः प्रार्थना की कि आप संकेत बताएं और प्रतीक बताएं कि हम लोग पहचान सकें। फिर उन्होंने भगवान के सद्गुणों की चर्चा की, उनके प्रतीकों की चर्चा की और एक एक करके इन लोगों ने उन्हें प्राप्त किया। फिर मुश्किल था कि कैसे वो मूल रूप में आए, कैसे ब्रह्मा दिखें, विष्णु दिखें, शिव दिखें। पुनः प्रार्थना, फिर अनसुईया ने उन लोगों को उनके स्वरूप में वापस किया। जब ये तीनों वापस आ गए तो सती अनसुईया से पूछा कि हम आपको वरदान देना चाहते हैं, बताएं आपको हम कौन सा वरदान दें। तो इनका मातृत्व उसमें प्रभावित था। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे मातृत्व का जो दुर्लभ सुख दिया है, यह सुख मेरा बना रहे और आप सभी हमारी संतान के रूप में आए। उसका सुपरिणाम निकला कि जो प्रजापति कर्दम और देवहूत की नौ कन्याओं में से एक सती अनसुईया हैं, उनके यहाँ तीन पुत्र आए, दत्तात्रेय जो विष्णु के अंश हैं, चंद्रमा जो ब्रह्मा के स्वरूप हैं और दुर्वासा जिनमें शिवत्व हैं। तो इस रूप में वह लोग निरंतर सती अनसुईया की वंदना करते हैं। यह सामर्थ्य सती अनसुईया की थी, भगवान राम को पता है, इसलिए उन्होंने सीता को संकेत किया। सीता जी उनके पास पहुँची और फिर उनका चरण पकड़ करके प्रणाम किया। उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद में आगे का भाव भी निहित था। एक तो ईश्वर जगत पिता और जगत जननी समय से बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि समय का सृजन भी इन्हीं लोगों ने किया है। फिर भी सती अनसुईया ने सीता जी को अखंड सौंदर्य की औषधि प्रदान किया कि आपका सौंदर्य अखंड रहेगा, कभी छरित नहीं होगा, कभी बाधित नहीं होगा और कभी इसमें मलिनता नहीं आएगी। जो स्वरूप यदा कदा लंका में दिखा वह वास्तविक नहीं था। और दूसरा, उन्हें पता है अनसुईया को कि जगत जननी को आगे कहाँ जा करके कुछ दिनों के लिए विश्राम करना है और वहाँ इसका अवसर नहीं रहेगा परिधान का, आभूषण का, इसलिए दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र उनको प्रदान किया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषबधियु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाया जो नित्य निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। और इसके बाद उन्हें नारी धर्म की शिक्षा की। उन्हें पता था कि आगे कुछ बाधाएं आनी हैं, तो उन बाधाओं के बारे में भी फिर उन्हें सचेत किया, पति का महत्व बताया, यानी सहचर का महत्व बताया, यह कहते हुए कि माता पिता हितैषी बंधु मित्र से बढ़कर जो हमारे सहचर होते हैं उनका स्थान होता है। माँ जानकी को विधिवत पता है, लेकिन जब कोई अपने से श्रेष्ठ की बात सुने, और जो संत होता है, भगवान राम ने बार बार उनको श्रेष्ठता प्रदान की है, सीता जी का भी वही भाव है। फिर इसी भाव से उन्होंने श्रवण किया, राम की महिमा सुनी, एक तरह से सती अनसुईया राम की महिमा ही बता रही थी, और आगे के लिए फिर संकेत किया कि हमेशा ध्यान रखना सीते, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्तिकाल में इस चार का परीक्षण होता है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपको आप चारों की प्रतीक हैं। और इसलिए संकेत किया कि आने वाले दिनों में चारों की परीक्षा होनी है, आपको धैर्य रखना है, आपको अपना धर्म बनाए रखना है, यानी जो आपका धर्म है
राम में अनुरक्ति और समाज का कल्याण, मानवता का कल्याण, इस धर्म को बनाए रखना है। और मित्र भाव, माँ जानकी के एक ही मित्र हैं, वह हैं प्रभु राम, और वह स्वयं नारी और नारीत्व का प्रमाण है, आदर्श हैं। तो इन सब का आगे परीक्षण होना है, इसका संकेत दिया सीता जी को और आश्वस्त भी किया कि आप हर परीक्षा में सफल होंगी। तो एक तरह से उन्हें शक्ति और संदेश दोनों प्रदान किया अपने आशीष और उपहार के माध्यम से। फिर दोनों ने वहाँ प्रणाम किया, फिर चलने लगे। भगवान राम ने फिर अनुमति लिया अत्रि ऋषि से, यह भगवान होने का आशय है। भगवान राम जाते हैं अपनी इच्छा से उसके पास जिसके पास संकलित पुण्य होता है, लेकिन जब वहाँ से चलते हैं तो उसकी इच्छा से चलते हैं, उससे अनुमति लेते हैं। यह एक संदेश है मानव समाज के लिए कि आप जहाँ जाइए, जहाँ पहुँचिए, चलते समय उसे बताइए और उससे अनुमति लीजिए। कोई रोकता नहीं है, लेकिन उस अनुमति में शुभेच्छा होती है, सद्भावना होती है और शुभकामना होती है। यह सब कुछ बताते हुए भगवान राम चलते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं कि मुनिवर अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। इस समय अत्रि ऋषि के अंदर जो भक्ति की प्रगाढ़ता है वह जागृत हो गई और अत्रि ने कहा कि विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर जामी, असकई प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बही पुलक शरीरा। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं चलना चाहता हूँ, अनुमति दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप जाएं, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव जानते हैं, जो आपको देख लेता है वो आपका हो जाता है, आपको पा लेता है, वो फिर आपसे कैसे अलग हो सकता है, आपको जाने की बात मैं कैसे कर दूँ। यह कह के वो रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू धारा निकली। भगवान राम ने उनके प्रिय भाव को समझाया और फिर अनुमति लिया आगे प्रस्थान करने के लिए, क्योंकि आगे औरों के लिए समय इनके मन में था जो देना था। फिर आगे सर्वभंग आश्रम पहुँचे, यह कथा फिर आश्रमों से होती हुई आगे निकल गई। इसमें कुछ मूल भाव नहीं थे। एक भाव तो यह कि अनुपम भक्त की प्राप्ति जप जोग और अपने धर्म से होती है, सदाचरण से होती है और सील से होता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रज्ञा शक्ति इसके मूल में होती है। हमने विवेक और प्रज्ञा का आश्रय लिया तो प्रभु राम की कृपा बरबस हो ही जाएगी और उस राम की कृपा होगी जो मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे हैं, उनको इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको केवल श्रद्धा से, विश्वास से और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। इस पूरे प्रसंग का यह आशय है और सबसे बड़ा आशय यह है कि भगवान राम के चरणों में आस्था रखने से, उनका स्मरण करने से, उनका भजन करने से ही इस कलयुग में हमें सफलता मिलेगी और भव बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें धर्म ज्ञान योग जब तप का महत्व घटता है, समाप्त नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा कर्म श्री हरि के चरणों में आस्था है, उनकी आराधना है। यह महामुनि अत्र ने बार बार इसमें समझाया और इस तरह फिर उन्होंने राम से जाने के लिए नहीं कहा। जो राम को देख लेगा, राम को पा लेगा, वह रामत्व की प्राप्ति कर लेगा, वह भला जाने के लिए कैसे कहेगा। भगवान राम ने उन्हें संतुष्ट किया, आगे के लिए आश्वस्त किया और फिर प्रस्थान किए। यह कथा आगे चलती है और इस तरह आशय यही है, भगवान राम अपने में अनुरक्ति रखने वालों को निरंतर अपनी भक्ति से तृप्त और संतृप्त करते रहते हैं और यही तृप्ति संतृप्ति जप योग तप ज्ञान और ध्यान किसी भी बाधा से मुक्त करने का उपाय होता है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में, इसमें सबकी बहुत बड़ी उपादेयता है। जप की, तप की, त्याग की, ध्यान की, संयम की, सहयोग की, सद्भावना की, शुभेच्छा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अवश्य ही इसका ध्यान रखेंगे, जो लोग सुन रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे और इसी से कल्याण होगा
क्योंकि हमारी यहाँ की मान्यता में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान राम हमें यह शक्ति दें, बाधाओं से मुक्ति दें, पूरी मानवता का कल्याण हो, उद्धार हो। आइए हम सब मिलकर भगवान राम का ध्यान करते हुए अपने राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।